राजस्थान में सियासी संकट अभी थमा भी नहीं है कि अशोक गहलोत के लिए एक और मुसीबत बढ़ती जा रही है। गहलोत के करीबियों पर ईडी की छापेमारी जारी है, लेकिन अब इसमें सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का भी नाम शामिल हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में सियासी संकट के बीच अब गहलोत सरकार के दरवाजे पर एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। पहले पार्टी में अंदरूनी फूट और अब एक एक करके राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबियों पर ईडी का शिकंजा राज्य की गहलोत सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। खास बात तो ये है कि ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ भी जारी है। बीते दिनों ही सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए लिए गए उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दिया है। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। दरअसल म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी की निर्यात पर रोक है। एमओपी को भारतीय पोटाश लिमिटेड यानी कि आईपीएल द्वारा आयात किया जाता है और किसानों को रियायती दरों पर बांटा जाता है। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत आईपीएल के अधिकृत डीलर थे। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने 2007 से 2009 के बीच रियायती दरों पर एमओपी खरीदा और किसानों को बांटने के बजाय इसे कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। इसका खुलासा राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2012 से 13 में किया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने गहलोत के करीबियों के दिल्ली और राजस्थान के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।